दोस्तों और साथियों, सलाम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोड़ी शहर में। सूबाई वजीर जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का ये हलका भी है और यहाँ से बिल्कुल बहुत ही करीब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का घर है और ये मंजर है यहाँ के, ये मनाजर है यहाँ के। इसको कहते हैं रोड़ी सुख पुल। यहाँ से थोड़ा से आगे रोड़ी का सबसे बड़ा एक मजहबी मकाम है करबला मौला और उसके थोड़ा आगे है रोड़ी रेलवे स्टेशन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रोड़ी स्टेशन। हम उसके सामने मौजूद हैं थोड़े फासले पर और ये हालात हैं रोड़ी शहर के जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब के हल्के के और उसके शहर के। और ये हालात आज के नहीं हैं, मैं गुज़श्ता 15 साल से यहाँ यही हाल देखता हूँ। मामूली से बरसात पड़ती है तो यहाँ हालात इस तरह हो जाते हैं, लोग इस तरह दलील ख्वार होते हैं, गाड़ियाँ यहाँ फंस जाती हैं, रक्षा गिर जाते हैं, बाइक्स यहाँ पर फंस जाती हैं। और यहाँ पर बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चे बूढ़े और ख़वातीन यहाँ पानी के घड़ों में गिर जाते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह सिंध भर के हालात यही है। ये सूबाई वजीर जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का हलका है और उसका घर है, उसका शहर है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया यहाँ से बिल्कुल थोड़े फासले पर नासिर हुसैन शाह साहब का घर है और वो जब यहाँ होते हैं तो उनका गुजर यहीं से होता है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने ये है जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। ये सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हैं, जनाब सरदारी साहब हैं, जनाब बिलावल भुट्टो दत्ताई साहब। और क्या कहें, इनके पास क्या कहें, मतलब सवाल उठाते हैं तो फिर मुजरिम बन जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, जमहूरियत की तौहीन हो जाती है। तो ये हालात हैं रोड़ी शहर के, लोग पानी में फंसे हुए हैं। मैं आपको उसका करीब से दिखाता हूँ, ये मनाज़िर आप करीब से देखें। ये देखें, ये गाड़ियाँ पानी में फंसी हुई हैं। बरसात तो ख़त्म हुए अब 3 दिन हो चुके हैं लेकिन उसके बाद भी ये रोड़ी शहर के हालात हैं। रोड़ी का ये सुख पुल है, यहाँ से बलूचिस्तान जाने वाली जो ट्रेन गुजरती है ये उसके लिए पुल बनाया हुआ है और उस पुल के नीचे के ये मनाजिर हैं। और ये मनाजिर आज के नहीं हैं, ये मनाजिर गुज़श्ता कई दिनों से हैं और इसी तरह ये मनाजिर गुज़श्ता 15 साल से आए दिन मामूली जब बरसात पड़ती है तो उसके बाद यहाँ के हालात इसी तरह के होते हैं। और बड़े फख्र से यहाँ पर चमचों ने, कमदारों ने, मुंशियों ने जहाँ पर इतनी बड़ी बर्बादी नज़र आ रही है वहाँ पर जनाब सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह साहब, जनाब जमहूरियत के चैम्पियन लॉर्ड मैकाले 40 लीपियर आसिफ दरदारी साहब यहाँ पर जस्मा है और उसके बेटे प्रिंस बिलावल भुट्टो दरदारी की तस्वीर भी यहाँ पर जस्मा है। लेकिन उनकी कारकर्दगी, इनकी हुक्मरानी, इनकी जमहूरियत के रंग ये हैं, ये इनकी जमहूरियत के रंग हैं। गुज़श्ता 15 साल में इन्होंने सिंध में जो हुक्मरानी की है उस हुक्मरानी के मनाजिर ये हैं, उस हुक्मरानी के जो आसार हैं ये हैं जो आपके सामने हैं। ये मनाजिर देखें, 3 दिन गुजर चुके हैं, एक गड्ढे से पानी निकाल नहीं सकते। ये मेन रोड है,
एक ट्रैफिक तो बाहर नेशनल हाईवे से गुजरती है, दूसरी ट्रैफिक रोड़ी शहर से गुजरती है। ये रोड़ी शहर का मेन सर्कुलर रोड है, ये रोड़ी शहर का मेन सर्कुलर रोड है। यहाँ से ही सामने रेलवे स्टेशन है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, रोड़ी रेलवे स्टेशन यहाँ से बिल्कुल नज़दीक ही है। और सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का घर भी यहाँ से बिल्कुल थोड़े चंद सौ मीटर पर वाक़ है। ये उसका हल्का है, लेकिन उसके हल्के के हालात ये हैं। सो बहरहाल फैसला खुद कीजिए इनके हुक्मरानी के, जो सिंध के लोग भुगत रहे हैं, सिंध भर में भुगत रहे हैं। और खुद महकमा बल्दियात के सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब के शहर के लोग भी इस बेहतरीन दुनिया के बेहतरीन हुक्मरानी को भुगत रहे हैं, दुनिया की बेहतरीन जमहूरियत के की जलालत को भुगत रहे हैं। तो बहरहाल रोड़ी के शहरियों, जमहूरियत के साथ रहो, जलालत के साथ रहो, जिंदा रहो गटरों में नालों में, और लगाओ जिए भुट्टो के नारे, और जलालत अपने गरेबान में लटका के रखो। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।